आर्कटिक मोड का रिटर्न हो चुका है और ये आ चुका है पबजी के अंदर। और भाई साहब, आर्कटिक मोड के बारे में यदि पता नहीं है तो बहुत ही तगड़ा चीज मिस कर चुके हो। पबजी के अंदर ये एक ऐसा मोड था जिसके अंदर हम ड्रोन को यूज कर सकते थे, साथ ही साथ हिरन, और साथ ही साथ हम यहाँ पे मुर्गे को मार के खा सकते थे इस मोड के अंदर। और ये मोड फिर से रिटर्न होने वाला है आपके पबजी मोबाइल के अंदर और साथ ही साथ BGMI के अंदर। और जिसको जिसको भाई नहीं पता है इस मोड के बारे में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बहुत स्पेशल जगह पे जाने वाला हूं जहां से आप बहुत ही कमाल का लाइट इफेक्ट यहां पे जनरेट कर सकते हो, जो कि है कैसल। और यहां पे आर्कटिक मोड के कैसल वाले एरिया में ही नाइट मोड भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा कैसल एरिया और यहां पे नाइट मोड एक्टिवेट हो गया आते ही। और यहां पे बीच में एक क्रेट रखा हुआ होगा जिसके अंदर से आपको कुछ स्पेशल देखने को मिल जाएगा। अब ये हर बार नहीं होता है, हर बार यहां पे आपको अलग अलग चीज देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले ये बंदा यहां पे आ गया बाय मिस्टेक, तो इसे हम यहाँ पे मार देते हैं। मार करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लूट भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे लकड़ी भी देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले ये आपको पिलर देखने को मिलेगा, ये ग्रीन कलर का, और इसे आप जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो आसमान के अंदर एक ग्रीन लाइट इफेक्ट आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है और बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। और यही करने के लिए मैं यहाँ पर हर बार आता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है देखने में जब भी वो लाइट ऊपर जाता है। आप देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हॉट बैंडेज देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे लकड़ी देखने को मिल जाएगा। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये हॉट बैंडेज क्या होता है और ये लकड़ी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मुर्गे के बारे में बात करेंगे, तो कुछ इस टाइप का मुर्गा आपको देखने को मिल जाएगा दो कलर में, एक ब्लैक और एक यहाँ पे व्हाइट कलर में। तो आपको फटाफट से इस मुर्गे को मार लेना है और इसका मीट उठा लेना है और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना है, मतलब जहाँ पे भी बंदा हो वहाँ से निकल जाना है। और यहाँ पे कैसल के अंदर और भी बंदे हैं, यहाँ से मैं बच के निकल जाऊंगा और आगे की तरफ जाऊंगा और मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको मुर्गे को खाना है और कैसे आपको यहाँ पे हिरन को खाना है और कैसे इस मोड को खेलना है। अब भाई ये जो मोड है बहुत ही ज्यादा कूल मुझे इसलिए लगा था क्योंकि भाई साहब कैसल के एरिया में नाइट मोड आपको देखने को मिलता है और जैसे आप कैसल के एरिया से आप बाहर जाते हो तो आपको डी मोड देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का इफेक्ट देता है। अब सामने की तरफ एक बंदा लड़ रहा है तो सबसे पहले हम जाएंगे उसे पेल देंगे और उसे पेलने के बाद हम यहाँ पे आपको यूज करके दिखाएंगे कि कैसे आप बहुत ही आराम से यहाँ पे मुर्गे को खा सकते हो और मुर्गे को पका सकते हो, हाँ पका के खा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉट लड़ रहे हैं शायद, तो इसे हम मार देते हैं और इसे मारने के बाद हम आगे के यहाँ पर गेम कंटिन्यू करेंगे। तो भाई सबसे पहले इसको मारते हैं और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा औसम रिकॉयल है मेरा और यहाँ पे एक नॉक हुआ तो मैं, ओ भाई साहब यहाँ पे एक और जिंदा था। ओके कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे इसी मोड का। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे मैं दूसरी जगह पर आ चुका हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ रहे थे कैसल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जगह पर आपको सेमी क्रेट देखने को मिल जाएगा जो कि आपको कैसल के बीचों बीच मैंने आपको दिखाया था। इसमें से आपको स्पेशल कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, चाहे वो यहाँ पर गन्स हो चाहे वो स्कोप हो, आपको अलग अलग चीज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसे खोल लेते हैं, तो इसके अंदर अभी क्या है, इसके अंदर एटेक्स है और कुछ लकड़ी है, तो हम फटाफट से इसे उठा लेंगे और यहाँ से लूट पाट करने के बाद निकल जाएंगे क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एक और बंदा है और वो बंदा मुझे यदि देख लिया तो वो कसम से वो मुझे मार देगा। और साथ ही साथ ये जो क्रेट्स है, इस क्रेट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा एक स्पेशल आइटम जो कि है लालटेन। जैसे कि आप देख ही सकते हो मैंने लालटेन उठा लिया है, राइट साइड आप देख सकते हो और बैकपैक में भी देख सकते हो। तो ये जो लालटेन है इसका भी बहुत ही ज़्यादा औसम यूज है जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैप के नीचे दो टाइम चल रहा है, एक तो जोन का टाइम चल रहा है और दूसरा जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे ठंडा हवा आने का टाइम। तो ये टाइम जैसे ही खत्म होगा तो रात हो जाएगा और उसके बाद एक ठंडा हवा चलेगा और उसको यहाँ पे यदि आपको झेलना है, यदि उस ठंडे हवा में आपको सर्वाइव करना है तो आपको ये लकड़ी चाहिए होगा और ये लकड़ी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे जगह पर आपको स्नोबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा या जो भी स्केटबोर्ड आप इसे कहते हो, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसके मदद से आप स्लाइड कर सकते हो। और जब ठंडी हवा आता है तो आपको छुपके रहना पड़ेगा घर के अंदर और ये बोर्ड देख सकते हो, बोर्ड देख सकते हो, ये जो स्नो बोर्ड है उसके मदद से आप बहुत ही आराम से यहाँ पे स्लाइड वगैरह करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा स्पीड भी ये देता है, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा औसम अपडेट है जो कि आपको इस मोड के अंदर देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यदि मैं बताऊँ तो आपको बहुत सारे जगह पे मुर्गा देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे जगह पे हिरन भी देखने को
मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है कि आपको हिरण और मुर्गा को मारना पड़ेगा और उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, जो मीट होते हैं उसके उसको कलेक्ट करना होता है, और उसको कलेक्ट करने के बाद उसे आपको खाना भी होता है। तो ये बात का बात है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको इसी मोड के अंदर बहुत सारे जगह पे आपको एक ड्रोन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है, और ये एक स्पाई ड्रोन है। इसको आप यूज करके एनिमी का लोकेशन पता कर सकते हो, करीब ये 300 मीटर दूर तक आप इसे यूज कर सकते हो। आपके मतलब जो लोकेशन होता है उससे 300 मीटर या 350 मीटर तक दूर जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम बात है। मतलब 350 मीटर तक आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे बंदा छुप के बैठा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ठंडा हवा वाला शाम है वो हो चुका है, और यहाँ आप देख सकते हो बर्फ का हवा चलना स्टार्ट हो चुका है। और यदि आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये टेम्परेचर जैसे ही घटेगा तो आप मर जाओगे। तो यहीं पे आप लालटेन को भी यूज कर सकते हो, ये जो लालटेन है आपको गर्म रखेगा, और गर्म रखने के साथ साथ ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये लालटेन जहाँ पे भी मिले आपको फटाक से उठा के रख लेना है, और एक बार में आप एक ही उठा सकते हो, और जब तक इसका चार्ज रहेगा तब तक आप इसे यूज करके किसी बंदे पर आप रस भी कर सकते हो और आप भी बच सकते हो। अब एक और कमाल का मैं आपको यहाँ पे हैक बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैं एक घर के अंदर हूँ, और हैक बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आग लगा के दिखाऊंगा। तो देख सकते हो मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन घर के अंदर भी मेरा जो यहाँ पे टेम्परेचर बार है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इसे मुझे कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको बैग के अंदर देखने को मिल जाएगा बहुत सारे लकड़ी, तो यहाँ पे लाइटर से आपको जला देना है उस लकड़ी को। आपको बैकपैक में लाइटर भी देखने को मिल जाएगा, उस लाइटर को यूज करके यहाँ पे देख सकते हो आग जला लेना है, और आग जलाने के बाद आपको इस लकड़ी को यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे टाइमर बढ़ा देना है। जितने मिनट का यहाँ पे जोन रहेगा, मतलब ठंडा वाला हवा का जोन रहेगा, तब तक के लिए यहाँ पे आपको टाइमर बढ़ा देना है लकड़ी को यूज करके। और उसके बाद यदि आप मैप खोलोगे तो मैप में आपको यहाँ पे हैक दिखेगा अपना, और भाई जितने भी बंदे जहाँ पे भी आग लगा के बैठे होंगे वो सारे के सारे बंदे आपको दिख जाएंगे मैप के अंदर। तो यदि आपके पास लालटेन है और यदि आपके पास पूरा स्क्वाड है तो आप सीधा आप उस पर रश करके उसे मार गिरा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। और साथ ही साथ यदि आपको स्पाई करना है, यदि आपको जानना है कि आपके आजू बाजू कहाँ पे बंदे छुप के बैठे हुए हैं या बंदे कहाँ पे हैं, तो आप सिंपली ड्रोन का भी यहाँ पे यूज ले सकते हो। तो आपके बैकपैक के अंदर जो ड्रोन है उसे यूज करके आप जितने भी बंदे हैं आपके आजू बाजू उसका सही से सही लोकेशन आप बहुत ही आराम से ले सकते हो, और आप बहुत ही आराम से पूरे स्क्वाड के साथ उस पर रश कर सकते हो। तो सबसे पहले देख सकते हो ड्रोन कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, और इस ड्रोन को यूज करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको बैकपैक खोलना है, वहाँ पे यूज वाला बटन देखने को मिल जाएगा और उसको यूज करना है, और आप बहुत ही आराम से उसे यूज करके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। और ये जो ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है चलाने में, क्योंकि ये जो ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है। पबजी न्यू स्टेट के अंदर जो ड्रोन देखने को मिलता है उससे भी ज़्यादा फास्ट है। ऊपर से इस ड्रोन को आप एक बार नहीं, जब तक ये चार्ज रहेगा तब तक आप इसे बार बार यूज कर सकते हो। काम होने के बाद आप इसको एग्जिट कर सकते हो, ये बैग में वापस आ जाएगा, और उसके बाद आप जैसे आप इसे फिर से यूज करना चाहते हो तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो इस ड्रोन के मदद से आप बहुत ही आराम से 350 मीटर के अंदर जो भी बंदा होगा उसे आप बहुत ही आराम से खोज सकते हो, और खोजने के साथ साथ उसे मार भी सकते हो। तो आप सोचो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितना ज़्यादा कमाल का ये ड्रोन है, और इस ड्रोन को यूज करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था और सबसे ज़्यादा पसंद अभी तक है, क्योंकि भाई ये 350 मीटर तक ऐसे हैक के तरह काम करता है। तो आप सोच ही लो कितना ज़्यादा ये मज़ेदार चीज़ है। और एक बात आपको याद रखना है, ड्रोन यूज करते हुए यदि आपके पास एनिमी आ जाता है तो वो आपको मार देगा, तो आपको ये भी देखना पड़ता है, और एग्जिट करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। और एग्जिट बटन यहाँ पे देख सकते हो मैप के नीचे मेरा है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो मैं बहुत दूर आ चुका हूँ इस ड्रोन से, और इस ड्रोन को मैं फिर से वापस कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको और भी यहाँ पे जो है इसका फीचर्स है वो यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ड्रोन एग्जिट करने के लिए दो बटन देखने को मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यदि एनिमी आपका ड्रोन देख जाता है वो एनिमी आपका ड्रोन तोड़ भी सकता है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख के ही आपको आगे जाना है। अब यहाँ पे हॉट बैंडेज मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, हॉट बैंडेज का भी काम वही होता है जैसे लालटेन से, आप अपना यहाँ पे क्या सकते हो अपने आप को गर्म रख सकते हो, वैसे हॉट बैंडेज से भी, मतलब वो नॉर्मल बैंडेज ही है लेकिन वो हॉट बैंडेज है, तो उसके मदद से भी आप गर्म रह सकते हो। साथ ही साथ बंदो बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा हिरन, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने है, तो सल्लू भाई की तरह इसे आपको पेल देना है, मतलब मारना है, मजाक कर रहा हूँ, तो इसे आपको क्या करना है गोली से मार देना है, या आप यहाँ पे गोली से भी मार सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे गाड़ी से भी मार सकते हो, डिपेंड करता है कि आप इसे किस चीज़ से मारना चाहते। तो मारने के बाद इसका मीट उठा लेना है, और मीट उठाने के बाद आपको फटाफट से जोन के अंदर चले जाना है। अब इस मीट को आपको खाना पड़ेगा, कैसे खाना?
दिखाना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जोन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एक बंदा है, एक को तो मैंने मार दिया लेकिन इसका बंदा मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको मीट खा के दिखा देता हूँ। तो मीट यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले ये देख सकते हो लेफ्ट में एक लाइटर है, लाइटर से आग जला लेना है। जलाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो मीट को यहाँ पे गर्म करने वाला या कह सकते हो मीट को पकाने वाला बटन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ ही टाइम में आपका मीट पक जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, फटाक से उसे उठाना है और उठाने के बाद बैग में रख लेना है और आपको फटाफट से उसे खा लेना है। और ऐसे आप मुर्गे के साथ भी कर सकते हो। और यहाँ देख सकते हो फिर से ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो चुका है। पूरे मैच के अंदर ये दो बार होता है तो आपको इससे बच के रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मुर्गा को कैसे खाया जाता है और मुर्गा को कैसे आप मार के मस्त तेल में फ्राई करके खा सकते हो। तो बहुत सारी जगह पे आपको मुर्गा भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ लेकिन यूज ही नहीं हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे कह सकते हो ड्रोन है वो यूज नहीं हो रहा है। लेकिन देख सकते हो यहाँ पे मैप में जहाँ पे भी बंदा है वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है। और साथ ही साथ ये रहा बाहर में मुर्गा, तो मैंने इसे मार दिया। तो इसका भी मैं मीट उठा के इसे भी खा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मुर्गा का मस्त यहाँ पे कह सकते हो फूला फूला हुआ यहाँ पे मीट देखने को मिल जाएगा। तो आपको फटाक से क्या करना है, मीट को उठा लेना है, उसे पका लेना है और पकाने के बाद आपको क्या करना है, उसे भी खा लेना है। तो यही है आर्कटिक मोड। आई होप ये जो गेम प्ले मैंने आपको दिखाया वो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे सोलो से स्क्वाड में ट्राई किया कि चिकन लेने का लेकिन नहीं हुआ। तो आई होप ये गेम प्ले आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए गेम फॉर पीस के अंदर है और यहाँ पे बहुत परसेंट चांस है कि इसका भी रिटर्न हो जाए। जैसे कि पबजी यहाँ पे बार बार रिटर्न कर रहा है सेम मोड, तो हो सकता है कि इस मोड को यहाँ पे रिटर्न कर दे पबजी आपके बीजीएमआई के अंदर और साथ ही साथ पबजी मोबाइल के अंदर। तो यदि वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छा लगा, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सबको फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, और हाँ कीप वॉचिंग चैकल एंड